हेलो दोस्तों, अन्नू की रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मछली के अंडे की पकौड़े। तो चलिए हम बनाते हैं मछली के अंडे के पकौड़े। इसके लिए मैंने लिए हैं ये मछली के अंडे, कटे हुए प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन पेस्ट, बेसन और अंडे और हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। चलिए बनाते हैं मछली के अंडे के पकौड़े। सबसे पहले हम लहसुन पीसी हुई, कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उतना आप अपने अनुसार दे सकते हैं, बेसन, नमक, हमें इसे फेंट लेना है। हम इसमें डालेंगे अंडे, और थोड़े हम इसमें बेसन डालेंगे। आपको लगे कि ये ज़्यादा पतली हो रही है तो आप इसमें थोड़ा बेसन और दे सकते हैं। तो हमने मिला ली है और हल्दी डालना हम भूल गए थे, तो आप इसमें हल्दी डाल लीजिए। अब कढ़ाई में हम तेल डालते हैं और इसे तलेंगे। तेल हमारी गर्म हो रही है, थोड़े हम पानी ले लिए। यहाँ पानी की सहायता से हाथ को हम थोड़ा इसमें ये चुभोएंगे और इसको हम तेल जब गर्म हो जाएंगे इसमें पकौड़े तलेंगे। मैं धीमी आंच पर इसे पकौड़े को तलना है। आंच ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो ये मछली के अंडे हैं वो जल जाएंगे। निकालते हैं, ये हो गए हैं।
इसी तरह हमें सारे पकौड़े को तल लेने हैं धीमी आंच पर। देखिए सारे पकौड़े हमारे तल लिए हैं, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब इसमें मैं थोड़े सैलड रख देती हूँ। अब इसमें मैं थोड़े सैलड रख देती हूँ, थोड़े खीरा, थोड़े प्याज, टमाटर, इसे आप सैलड के साथ खा सकते हैं। देखिए बनके तैयार हो गई हमारी मछली के अंडे के पकौड़े। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।